आज मैं आपको लेकर आ गया रायपुर में भाव के पास, जिनको यहाँ का गोल्डमैन भी बोला जाता है। तो आज हम यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं इनका स्पेशल दाल पकवान, जो कि पूरे रायपुर में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। तो चलिए चलते हैं, इनके दाल पकवान की बेकिंग देखते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। नाम बता दीजिए। मेरा नाम मनोज केशवानी है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ? मेरे को 13 साल हो गए करीबन यहाँ पे। क्या क्या लगाते हैं? इडली है, सांभर वाला है, दाल पकवान है, समोसा है। ऐसी खास बात है कि लोग इतना पसंद करते हैं भाव का दाल पकवान? भाव की खासियत ही अलग है एकदम भर, यानी कि जो खिलाता हूँ दिल से खिलाता हूँ और स्वाद हमेशा एक ही रखता हूँ हमेशा। भाव मेरा ही नाम है, ऐसे भाव नाम से चलता है मेरा। अच्छा, नाम से चलता है। हाँ जी। ज्यादा लोग क्या पसंद है? सबसे ज्यादा दाल पकवान पसंद ही करते हैं, इडली वाला भी करते हैं, ज्यादा करके दाल पकवान ही पसंद करते हैं मेरा। हाँ, और यहाँ पे जितनी बार भी दाल मांगो मना नहीं, खाओ पियो मस्त रहो। जी जी जी। क्या क्या चीजें रहती है दाल के साथ, क्या क्या होता है? ये चटनियाँ होती है, हरी चटनी होती है, लहसुन अदरक मस्त धनिया पुदीने की चटनी होती है, इमली चटनी होती है, टमाटर चटनी होती है। दाम कितना रहता है इसका दाल पकवान का? खाना और 50 रुपये, बढ़िया सा। हाँ, पेट बढ़िया। तो जब स्टार्ट किया था तब कितने का था दाल पकवान यहाँ पे? 10 रुपये का था। 10 रुपये का था। हाँ, अब थोड़ा महंगाई के साथ, महंगाई के हिसाब से और चीज़ बढ़िया रखने के हिसाब से अलग से होता है। क्वालिटी बढ़िया रहती है? एक नंबर, यानी कि एक बार कस्टमर, किसी कस्टमर से पूछ लीजिए। अच्छा। कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा भाव दाल पकवान खराब खिलाता है, और खिलाता हूँ यानी कि पेट भर के खिलाता हूँ। नहीं नहीं अब क्या चुराएगा, नसीब से ज्यादा थोड़ी ले जाएगा कोई भी। यहाँ पे स्पेशल चना मूंग की दाल रहती है, हरी धनिया पुदीना की चटनी है, ये टमाटर चटनी है, ये इमली चटनी है, ये भाव का मसाला स्पेशल है। तो फाइनली रायपुर के फेमस गोल्डमैन का स्पेशल दाल पकवान यहाँ पे लग चुका है। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे आपको दाल पकवान देखने को मिल जाएगा, एकदम कलरफुल। आपको रेड चटनी दिख जाएगी, ग्रीन चटनी दिख जाएगी, और बढ़िया सी यहाँ पे इन्होंने दाल डाल के ऊपर से प्याज डाले हुए हैं। तो चलिए अब इनका दाल पकवान टेस्ट कर लेते हैं। एकदम चटपटा सा मसालेदार, और इन्होंने जो इसमें पकवान डाला है बहुत ही क्रंची सा है, काफ़ी अच्छा टेस्ट दे रहा है। मैंने दाल पकवान तो बहुत जगह खाया है, बट गोल्डमैन का जो दाल पकवान है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और टाइमिंग क्या रहती है आपकी दुकान की? सुबह 9 से 2 बजे तक। और हफ्ते में कितने दिन लगाते हो? 365 दिन। कोई छुट्टी नहीं? कोई छुट्टी नहीं, बाई चांस घर पे कुछ हो गया या शादी फंक्शन कुछ गमी वमी हो गई तभी छुट्टी, नहीं छुट्टी अलाउड नहीं है। और एड्रेस बता दीजिए किसी को यहाँ पे? यहाँ पे न्यू राजेनगर श्री कृष्णा हॉस्पिटल के ठीक सामने, या प्रजम मेडिकल के ठीक सामने, बाल दाल पकवान है। हाँ, रायपुर का फेमस दाल पकवान बोलते हैं इसको। तो अगर आप भी रायपुर में रहते हो, बढ़िया सा दाल पकवान खाना चाहते हो, तो 50 रुपये में आपको ये दाल पकवान मिल जाएगा। तो भाव के साथ इसको जरूर ट्राई कीजिए। तो अब मैं इसको यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।